अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इनसाइड स्टोरी में। अरब सागर में पाकिस्तान की एक बोट पकड़ी गई है। आपको बता दें ये बोट भारतीय जल सीमा में घूम रही थी, जिसके बाद इसे कोस्ट गार्ड ने घेर कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस बोट को गुजरात के पोरबंदर के पास समुद्र में पकड़ा गया है। इस बोट में 9 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने खुद को मछुआरा बताया है। सबसे पहले कोस्ट गार्ड के शिप समुद्र पावक और वहीं आसपास ये जो बोट है ये नजर आई थी। इसमें 9 पाकिस्तानी सवार थे और इसे पकड़ लिया गया है। जो 9 पाकिस्तानी नागरिक हैं वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो मछुआरे हैं और गलती से उन्होंने जलसीमा को पार कर दिया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन बेहद संदिग्ध ये पूरा मामला, बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तफ्तीश लगातार जारी है। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कब पकड़े गए थे मछुआरे और फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? को पोरबंदर नहीं लाया जा सका है। सुबह 10:30 बजे के आसपास कोस्ट गार्ड को ये सूचना मिली थी कि एक बोट पाकिस्तानी ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही है और उसमें 9 लोग सवार हैं करीब। तो 9 लोगों को ये इस सूचना के आधार पर कोस्ट गार्ड नेवी के तमाम लोग ने इस बोट को घेरा और अब उसको इस बोट को गिरफ्तार किया है। इस बोट में 9 लोग सवार थे और इस बोट को भारतीय सीमा के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। अभी पोरबंदर के करीब इसको लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम एजेंसियां जांच में जुटी है और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसे थे। बिल्कुल अरविंद, शुरुआती पूछताछ में तो ये खुद को बेकसूर बता रहे हैं कि हम मछुआरे हैं, लेकिन क्या वाकई वो मछुआरे हैं या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से यहां पर दाखिल हुए थे, ये बड़ा सवाल है और तफ्तीश के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए।